हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल जे एस एस सी वाला कैसे है दोस्तों आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आशा करते हैं आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे बहुत दुखद घटना है दोस्तों देखा जाए तो छात्रों के लिए ये क्योंकि किसी को नहीं पता होता दोस्तों मौत कैसे और कब आती है सो उसको क्या पता चौबीस घंटा पहले ये नहीं पता था कि पढ़ते पढ़ते किसी को मौत आ जाए जी हाँ दोस्तों आप लोग सही सुन रहे हैं अभी हम आपको बताने वाले हैं पूरा कहानी को और इस कहानी बताने का मेरा मकसद है दोस्तों कि इसे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना है ठीक है क्योंकि सेम टाइप का इस सिचुएशन हम लोग साथ पिछले साल भी हो चुका था कब हुआ था कैसे हुआ तो हम बताएंगे आपको ठीक है इसलिए आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए ये सब चीज़ ठीक है पढ़ाई लिखाई तो होता ही रहता है दोस्तों ऐसा बात नहीं है लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ और भी दुनिया जिंदगी होता है जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए सिर्फ पढ़ाई के अंदर ही नहीं डूब जाना चाहिए ठीक है खैर चलिए देखते हैं दोस्तों हालाँकि जिनको पता नहीं था ऐसा हो जाएगा ये दिल्ली का घटना है दोस्तों दो छात्रों का मौत हो गया दोस्तों भगवान उनकी आत्मा को शांति दे हम लोग यही कामना करेंगे ठीक है और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये ठीक है दोस्तों इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखिए दोस्तों बात ये बता देते पहले क्या होता था राजेंद्र नगर ओल्ड नगर का ही कोचिंग का दोस्तों आपको पता ही होगा आई इसका तैयारी कराया जाता है वहाँ पर ठीक है कोचिंग सेंटर में वहाँ क्या हुआ अचानक से पानी हुआ वर्षा हुआ सैटरडे को और अचानक से क्या हुआ कि पानी पूरा भर गया समझा न अचानक से फिर लाइब्रेरी जैसे क्या नाम है राव आई एस जो स्टडी सेंटर ओल्ड नगर में है ओल्ड राजेंद्र नगर में है ये ठीक है उसमें क्या है कि थर्ड सेकेंड और थर्ड फ्लोर में कोचिंग चलता है और नीचे जो बेसमेंट है वहाँ पे लाइब्रेरी चलता है तो दोस्तों वहाँ क्या होगा अचानक से बारिश होता है दिल्ली में क्या होता है ना जब भी थोड़ा मोड़ा बारिश होता है ना तो पूरा गली वली भर भर जाता है देखिएगा बहुत दिल्ली तो हमें बहुत बेकार लगा दोस्तों क्योंकि हम लगभग चार पाँच तीन चार स्टेट राज्य में तो हम रह चुके हैं लेकिन वहाँ देखें सबसे बढ़िया बेटर जगह हमको आई चंडीगढ़ लगा सच बता रहे हैं चंडीगढ़ ये सब शहर नहीं है दोस्तों बहुत बढ़िया है दोस्तों भीड़ का भी नहीं है रहने कहने के लिए बहुत बढ़िया जगह है वो दिल्ली हमको तो बेकार लग रहा है दोस्तों सच बता रहे हैं ठीक है थीके? थोड़ा सा पानी बरसता है तो भाई पूरा गली मोहल्ला पूरा भर जाता है ठीक है तो ये बेसमेंट का बात है ठीक है बेसमेंट का बात है तो हम अपना कहानी बताते हैं पिछले साल की बात है दोस्तों हाँ वहीं दिल्ली का ये बात है पिछले साल की जिम जाया करते थे मात्र समझे तो जिम भी मेरा क्या था क्योंकि बेसमेंट में था बेसमेंट में था तो अचानक से हम लोग शाम को जिम करने जाते थे चार पाँच बजे अचानक से बारिश हो पता नहीं उसमें बारिश नहीं हो रहा था जैसे अंदर जिम करते थे वहाँ बारिश होना शुरू हो गया पता नहीं चलता है बाहर बेसमेंट क्या पता अंधेरा टाइप मतलब थोड़ा लाइट लाता है लेकिन अंधेरा टाइप रहता है और बेसमेंट में पता भी नहीं चलता है अचानक से खूब तेज़ बारिश हुआ होगा हम लोग को पता नहीं चला अब देखें अचानक से हम लोग जिम कर रहे हैं सब लोग देखें यार पानी पानी पूरा धीरे धीरे घुस रहा है अब सब परेशान पानी कहाँ से आ रहा है जैसे ऑनर को तो पता था ये बात कि हर साल होता है हम लोग तो वहाँ पे नहीं तो पता नहीं चल पा रहा था पहली बार जिम गए थे तो उसमें क्या होता है घुटना तक पानी आ गया था तो हम लोग ये बोले ये किसी होता है तो बोलते हैं यहाँ हर साल ऐसे ही होता है हम बोले सुधारिए इसको या फिर चेंज कर लीजिए ना कि हो सका मान लिया अभी घुटना तक तो बारिश है मान लिया पूरा आ जाए तो क्या कीजिएगा तो बोलता हंसने लगने नहीं ऐसा नहीं होता है बस थोड़ा बहुत पानी आता है बस परेशानी होता है वही कहानी दोस्तों को याद याद आ गया जो बात हम बोले थे उसको ऑनर को जीम वाले ऑनर को कि क्या पता अचानक से बहुत सारे नाला के देखिए हमेशा याद रखिएगा नाला के बगल में जब भी को हो ना लाइब्रेरी लाइब्रेरी से कुछ भी हो अंदर बेसमेंट में हो वो थोड़ा सा बरसात के मौसम में थोड़ा सा सतर्क रहिएगा ठीक है वहाँ पर भाई देखिए दिल्ली से जगह है बारिश होता है पूरा खूब बारिश हुआ था शाम को सैटरडे को ठीक है अचानक से बारिश हुआ और अचानक से पानी घुस गया बेसमेंट में अब पानी घुस के बेसमेंट में भैया तब एक बार पानी घुस जाएगा तो उसमें जो बच्चे लोग पीछे बैठता है जैसे गेट के जो सामने बैठते तुरंत तो निकल जाएगा ठीक है भीड़ भाड़ के बहुत होते हैं बहुत सारे बच्चे होते हैं पन्ने आई एस की तैयारी कर रहे यू पी के तो कई लोग बच्चे वहाँ पे होंगे ठीक है हालांकि बोलें हारा पैंतीस बच्चे थे वहाँ पढ़ाई कर रहे थे सैटरडे को शाम को ठीक है तो जो गेट के सामने था वो तो बाहर निकल के तुरंत भाग ही जाता है जो पीछे रहता था तो उन लोग फंस फस जाता तो वैसे ही इसके साथ हुआ है जो पीछे लोग बच्चे थे हालांकि दो लोग का मौत हो गया एक का नाम तानिया जो कि आंध्र प्रदेश के रहने तेलंगाना रहने वाली है और दूसरे को पता नहीं चल पाया ठीक है इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो तो दो दो आदमी का मौत हो गया वहाँ पे तो कहने का मतलब मेरा यह है दोस्तों कि जब भी वाला एरिया हुआ खास करके सर्दी मतलब बरसात के एरिया में और जगह देख लीजिएगा भाई हम लोग इस हिसाब से हम लोग को झारखंड बहुत बेटर है ठीक है रांची वगैरह इतना अच्छा शहर है वहाँ तो उस तरह का सिचुएशन नहीं मिलता है लेकिन बड़े बड़े देखिएगा शहर में ना ये दिक्कत होता है दोस्तों दिल्ली में खासकर बहुत देखते छोटा हल्का सा बारिश में देखिएगा ना पूरा गली भर जाता है भाई ये देख के परेशान हो जाएगा पूरा रोड पूरा एकदम पूरा घुटने घुटने तक पानी आ जाता है अब उसमें सैटरडे तेज़ बारिश हुआ होगा कौन जान रहा अंदर में पड़ रहा है भाई पता थोड़ी चलता है अब आप ही रूम में बैठिएगा कमरे बंद है सब चीज़ बाहर पता नहीं चल पता चल पाएगा और वही बेसमेंट में भाई कुछ भी पता नहीं चलता है आया दोस्तों तेज़ बारिश आया घुस गया अंदर ग्राउंड फ्लोर में फिर पानी पूरा भर गया फिर भाई पता ही है भर जाने के बाद क्या होता है सो एक रूम में कमरे में पूरा पानी भर जाएगा शरीर के ऊपर तक चल जाएगा आपको तैरने आता होगा तो फिर, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है तैरने भी आएगा दोस्तों पूरा फुल हो जाएगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा फिर हाँ थोड़ा सा तैरने हैं इसलिए तैरने उन्हें आता होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं आदमी बचने की कोशिश किया जा सकता है लेकिन किसको नहीं आता है ठीक है गाँव के बच्चे लोग होते तैर लेते हैं ठीक है जिसको नहीं आता भर थोड़ा भी पानी भी उन लोगों को मर जाता है फिर इसलिए थोड़ा सा ये सब ध्यान रखना खैर चलिए अब बहुत तो दुखद खबर दोस्तों ये बेचारा कौन जान रहा था ये जो भी लड़का लड़की जो भी जिनका डेथ डेथ हुआ तैयारी कर रहा था सपना लेके गया था यूपी तेलंगाना से गया था दिल्ली आई बनेंगे आई बनेंगे लेकिन सपना साकार नहीं हो पाया अब भगवान कुदरत की देन है भाई अब उसी का ल, उतने दिन का टाइमिंग शायद क्या कीजिएगा किसी को नहीं पता दोस्तों इसलिए बोलते हैं लाइफ में हमेशा खुश रहिए जो जोगे लाइफ में जब भी होना होगा जो होगा देखा जाएगा परेशान नहीं होना है किसी के साथ घिरना नहीं करना किसी से लड़ाई नहीं करना किसी तरह की बात बताए भाई कोई मतलब नहीं बनता इंसान के रूप में धरती पैदा हुए हैं आप लोग कोशिश कीजिए अच्छा से अच्छा काम करने के लिए ठीक है जितना ज़्यादा हो सके कीजिए ठीक है बाकी किसी से घिरना लड़ाई झगड़ा गाली गलौज मतलब टेंशन लेना क्यों मतलब नहीं हो जाता दोस्तों मतलब बहुत अच्छा इन सुनने के बाद बहुत बेकार लगा तो सच बता रहे हैं क्योंकि तो इस चीज़ का इस चीज़ का हम लोग देखे हुए पिछले बार कि पानी से रिलेटेड इसलिए हम ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं दो वीडियो हम नहीं बनाते हैं यहां पर इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा कहीं भी जाइएगा तो नाला वाला टाइप के बगल में बेसमेंट वाला एरिया में थोड़ा सतर्क रहिएगा बरसात के टाइम पे ठीक है और भाई कभी भी गेट टूट के पानी घुस सकता है भाई कुछ नहीं कर पाइएगा आप जगह भी उतने रहता है बेसमेंट कितना रहता है क्या कर लीजिएगा आप लोग बताइए ठीक है इसलिए बहुत बेकार हुआ दोस्तों खैर चलिए अब जो भी है इसका जांच टीम बैठा दिया हालांकि जांच टीम बैठाने से क्या होगा यार जिनका जाना तो चला गया क्या ही कर सकता है जाँच टीम बैठाने से क्या होगा जाँच भी कैसा होता है भाई जाँच बड़ा आदमी का हाथ इसमें हाथ क्या क्या होता है इसे नेचुरली डाटा देखा जाए तो अब गेट टूट गया भाई आप कैसे कमजोर था अब मरम्मत नहीं कराया आप देखिए दिल्ली में आइए और आइए इसको कोचिंग स्टडी सेंटर देखे भाई बाहर से हम देखे भाई इसको इतने नामी लोग हैं लेकिन पता आप कौन जान रहा है कि बाहर से गेट टूट के फिर अंदर चला जाएगा सुनने में आ रहा है कि वहाँ से एक थार गाड़ी निकला जो स्ट्रीट में गया उसी का जो फानी का फ्लोर जो था गाड़ी जब पास होता है बारिश से तो फिर क्या होता है प्रेशर मारता तो वैसे जैसे ही प्रेशर मारा गेट टूट गया फिर पानी अंदर चला गया अब सुबह उसका बुरा दिन उसका था जो लाइब्रेरी में पीछे बैठा हुआ था सामने वाला तो निकल के तुरंत भाग गया अब पैंतीस में से तैंतीस लोग तो भागे हैं जी दो लोग फंस गया क्या कीजिएगा बेचार बता था उसको कि सैटरडे शाम तो पढ़ रहे हैं चार बजे ठीक था संडे के सुबह सुबह पता नहीं रह पाई दुनिया में बहुत गलत हुआ यार चलिए खैर जो भी दोस्तों तो आप लोग सतर्क रहिएगा बस हमको वीडियो बनाने मेरा मकसद यही था बाकी कोई मकसद नहीं था दोस्तों कि ऐसा चीज़ हम देखे हुए इसलिए बता रहे हैं आपको किसी के साथ हो सकता है ऐसा ठीक है बेसमेंट वाला एरिया में ध्यान रखना है चाहे जहाँ भी हो भाई कितना बड़ा कंपनी क्यों ना हो भाई आपको तो पता है कि बेसमेंट है नाला के बगल में बेस बना हुआ है और बरसात के मौसम में तो थोड़ा ध्यान रखिएगा ठीक है इसलिए बता रहा हूँ बाहर में जब पढ़ा लिखा भाई जिंदगी रहेगा तो बहुत कुछ कर लीजिएगा ठीक है ऐसा बात नहीं इसलिए बोलते टेंशन मत लीजिए अभी देख रहे हैं बहुत सारा जो हमारे सीरियल के सब्सक्राइबर जो वीडियो देखते हैं जो पढ़ते हैं डेली बहुत परेशान है उन लोग डेट नहीं दिया तो कोई और देखो डेट दे नहीं दिया दिया बात की बात तो बोला न थर्ड वीक ईयर थर्ड वीक आने दीजिए देखा जाएगा भाई परेशान तो हम लोग नहीं है हम लोग भी परेशान है भाई कि जिस तरह रवैया जैसा सीख कर रहा है गुस्सा तो हर किसी का आ रहा है लेकिन कर क्या सकते बताइए कोई बोल रहा है सत्रह उन्नीस कोई बोल रहा है बीस बाईस कोई बोल रहा है फर्स्ट वीक कोई बोल रहा है से मतलब अपना अपना डेट बता रहे दोस्तों बाकी ऑफिशियल किसी को बता नहीं है हम बता रहे अपना प्रश्न बता रहे हैं किसी के पास नहीं है क्योंकि अच्छे अच्छे लोग जानकारी देते थे अभी कोई नहीं दे पा रहा है क्योंकि इन्फॉर्मेशन निकल ही नहीं रहा है अब क्या है मामला नहीं पता अब जब वीक देखते हैं एग्जाम फर्स्ट वीक देखते हैं थर्ड से, थर्ड सेप्टेम्बर थर्ड वीक बोला थर्ड वीक तो फोर्थ वीक जाएगा कोई दिक्कत नहीं उसके बाद जाएगा फिर देखा जाएगा फिर ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे ये बेकूफ़ बनाएगा तो इसको छोड़ देंगे क्या ये गलत फहमी रहिएगा आप लोग ठीक है इस बार नहीं हुआ दोस्तों तो इस बार क्रांति मचने के लिए तैयार रहिएगा आप लोग और हमेशा के लिए तैयार रहिएगा इस बार क्योंकि सरकार और आयोग जो बेकू बनाने का जो सिस्टम ठान लिया है अपने आप में ने इसको सुधारना बहुत जरूरी है खैर अभी ये बात बोलना ठीक बात नहीं है अभी क्या पता भाई आयोग अपना गुप्त तरीके से काम कर रहा हो ठीक है कि नहीं बताना चाह रहा हो ये भी बात सही है ठीक है भाई अच्छी बात है बस आप लोग पढ़िए क्योंकि ट्रेंड रहा है जैसे सीखा देख रहे हैं फिलहाल में दस पंद्रह दिन पहले देता है नोटिस और एग्ज़ाम ले ले रहा है तो ऐसा हो सकता है वही कर रहा हो शायद कौन जान रहा है भाई चुनाव उसको भी पता है चुनाव का टाइम अगर इधर उधर हो गया तो मामलों का इसलिए गुप्त तरीके से काम कीजिए और एग्ज़ाम लीजिए फिर अचार संहिता लगे उसमें रिजल्ट जारी कर देंगे थोड़ा बहुत मैनेजमेंट मिस मैनेजमेंट मैनेजमेंट होगा तो देखा जाएगा उस टाइम पर इसलिए अपनी तैयारी कीजिए आप किसी को परेशान कीजिए पूछिएगा तो क्या बताएगा YouTube में तो बहुत सारे लोग डालते हैं ये है वो है तो भाई अपना अपना राय दे रहा है राय देना चाहिए भाई क्या है नहीं है लेकिन ऐसे ही है भाई बाकी कुछ नहीं बाकी आप लोग पढ़ाई कीजिए जो पढ़ना है पढ़ रहा है वो अच्छे तरीके से पढ़ रहा है अचानक से डेटा आ जाएगा तो फिर आप फंस जाइएगा ठीक है ऐसा तो हो नहीं सकता दोस्तों के एग्जाम नहीं लेगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी नहीं होगा ये भी दिमाग से निकाल दीजिएगा डेट आठ दिन दस दिन आगे पीछे हो सकता पीछे तो नहीं होगा आगे हो सकता अलग बात है लेकिन नहीं होगा ये कभी नहीं हो सकता याद रखिएगा ये एग्जाम तो होने जा रहा है हाँ ये बात है कि एग्ज़ाम कितना फेयर होगा नहीं होगा इसका तो भाई कोई नहीं बता पाएगा इसलिए बोलते मेहनत कीजिए थोड़ा बहुत मिस मिसमैनेजमेंट होता है तो अच्छा नंबर रहेगा तो आप क्लियर कर जाइएगा अब बाउंड्री पर रहिएगा तो बाहर हो जाइएगा मेरा कहने का मतलब यही है बाकी आपका अपन अपना सोच है भाई बाकी जो समझिए क्या बोलें फिर हम ठीक है चलिए फिर तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ख्याल रखिएगा स्वस्थ रहिएगा अपना ये सब चीज़ तो होते रहता है ठीक है बाकी पढ़ाई कीजिए अपना अच्छे तरीक़े से मिलते हैं अगले वीडियो में